ओके वी रेडी टू गेट सम अल्टीमेट साउंड एक्सपीरियंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा 5 या फिर 6 ऑडियो ड्राइवर्स जो कि आपके साथ मैंने शेयर की और कमाल की था वो सारे ऑडियो ड्राइवर्स, लेकिन ये है पार्ट 2 एंड दिस गोना बी वेरी क्रेजी, क्योंकि गाइस आपके साथ ऐसे कुछ मॉड्यूल्स शेयर करने वाला हूँ कि आईफोन को आप लोगों को लगेगा आईफोन मतलब एक टट्टी। तो शुरू करते हैं, बट अगर आपको ये टॉपिक अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को काट दो, क्योंकि ये सिर्फ एडवांस्ड यूजर्स के लिए है जो लोग अपने स्मार्टफोन में कर्नल एसयू या फिर मैजिक्स के यूज करता है मेरी तरह। ओके, तो यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर्स आपके साथ 5 शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको इंस्टॉलेशन मेथड बता के क्लियर कर दूंगा, यानी कि वीडियो खत्म कर दूंगा, और आपके जो एक्सपीरियंस है ना कैसा होगा ये भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। बट वन थिंग, इंस्ट्रक्शन नहीं बताऊंगा कि देखो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको ये सारी चीजें करना है, यानी कि नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा होगा, ठीक है। अगर आप एक एडवांस्ड यूजर हो तभी इस वीडियो में आप लोगों ने क्लिक किए हो और आपको थोड़ा बहुत पता है इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहला मॉड्यूल है NL साउंड, आप लोगों ने शायद नाम सुने होंगे, लेकिन दिस वन इज वेरी क्रेजी। देखो ये जो मॉड्यूल है ना, इस मॉड्यूल की खास फीचर ये है, जो सिस्टम की ऑडियो बाइट रेट है वो चेंज कर सकता है। नंबर 2, जो किलोहर्ट्ज़ होता है ऑडियो की, यानी कि क्वालिटी आप लोग कह सकते हो, या फिर सैंपलिंग रेट, वो ये वाला मॉड्यूल चेंज कर सकता है सिस्टम वाइड। बाय डिफॉल्ट कुछ फोन्स में होता है 44 किलोहर्ट्ज़, ओके 44.1 किलोहर्ट्ज़ होता है, लेकिन इससे आप 48 या फिर 96 या फिर 128 या फिर 192 किलोहर्ट्ज़ तक आप लोग जा सकते हो। सो दिस इज वेरी क्रेजी। एंड नेक्स्ट थिंग, यहां पे आप IRS samples को या फिर IR को आप लोग जो है ना सिलेक्ट कर सकते हो या फिर चूज कर सकते हो। नहीं, मुझे स्मार्टफोन की जो क्वालिटी है उसके साथ में जो इक्वलाइजर है ना वो भी मुझे अप्लाई करना है। तो बहुत सारे ऑप्शन से जब भी आप लोग इंस्टॉल करोगे तो कुछ चीज़ें आपको स्किप कर देना है, जैसे कि आपके सामने आ सकता है कि जो वॉल्यूम स्टेप्स है स्मार्टफोन की उसको आप कितना रखना चाहते हो, तो वो सिर्फ आपको स्किप कर देना है। माइनस या फिर जो प्लस बटन होता है वॉल्यूम की, उससे आप लोग जो है ना ये सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे टाइमर बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, ताकि आप लोग अगर चूज करने में देरी करो तो ये ऑटोमेटिकली चूज नहीं करेगा किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। तो ये है NL साउंड, इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा ध्यान में रख के फिर करना है, बट फिर भी अगर काम ना करे तो लास्ट में एक सोल्यूशन दूंगा। नंबर 2 मॉड्यूल है सुप मिक्स, SUPMIX, सुप मिक्स, एंड ये बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की है। देखो गाइस, सुप मिक्स ये जो ऑडियो ड्राइवर है ना, बहुत सारे वर्जन से, लेकिन आपके साथ 2 या फिर 3 शेयर कर सकता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, कोई ना कोई एक वर्जन डेफिनेटली काम करेगा। तो 2-3 जो डाउनलोड लिंक है ना इसी सुप मिक्स की वर्जन की मैं डाउनलोड लिंक दे दूंगा। देखो सुप मिक्स बेसिकली क्या करता है, देखो जो ऑडियो क्वालिटी है और जो इक्वलाइजर है और जो स्पेशियल एक्सपीरियंस है, मतलब कि सराउंड वर्चुअलाइजर, ये 3 जो फीचर है ना एक साथ डाल देता है अपने स्मार्टफोन के अंदर, और ये सिस्टम वाइड काम करता है। आपके जो स्मार्टफोन की स्पीकर है उसके साथ भी काम करेगा, हेडफोन के साथ, ब्लूटूथ के साथ, ऑक्स केबल के साथ, सभी के साथ ये काम करता है। और इसकी इंस्टॉलेशन मेथड एकदम ईजी है, सिंपली आप लोग को बस ओके कर देना है सिलेक्ट करके फाइल को, ओके ये इजिली इंस्टॉल हो जाता है। एंड यस गाइस, आप लोग को फर्क दिखेगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी में लूज हो सकता है ऑडियो क्वालिटी स्पीकर में, लेकिन जब भी आप लोग हेडफोन प्लग इन करोगे तो देखना जो गाना वगैरह है ना उसकी वॉइस सर के ऊपर बज रहा है, तो इतना अल्टीमेट लेवल की है, जरा एक्सपीरियंस करके देखना, और खतरनाक लेवल की बेस यहाँ पे दिया गया है ऑडियो ड्राइवर के अंदर। नंबर 3 है आइनोर नर्सेल, इसकी काम क्या है, देखो जब भी इक्वलाइजर के अंदर आप लोग बेस या फिर ट्रेबल को हाई कर दोगे तभी साउंड थोड़ा सा लो हो जाता है या फिर वॉल्यूम लो हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल साउंड होता है ना वो ओरिजिनल जैसा नहीं रहता है और इसीलिए मजा नहीं आता है ना। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ना क्या करता है, जो सिस्टम की ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप लोग बेस को ऑन कर दोगे तो साउंड या फिर वॉल्यूम लो हो जाता है, इस रेस्ट्रिक्शन को हटा देता है। मतलब कि आप लोग जितना मर्जी चाहो जो बेस है या फिर जो ट्रिबल है या फिर जो वोकल है ना उसको आप मैक्सिमम कर दो, लेकिन साउंड लूज नहीं होगा, आपकी स्पीकर फार जाएगा, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, मतलब जो गाने की क्वालिटी है ना, बिल्कुल भी नहीं घटेगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि इसको इंस्टॉल करने के बाद मेरे फोन में क्या इक्वलाइजर आएगा, नहीं, आइनोर नर्सेल सिर्फ इंस्टॉल करने के बाद वो अंदर ही एक सर्विस है जो कि हमेशा चलता रहेगा सिस्टम वाइड, लेकिन आपको थर्ड पार्टी एक इक्वलाइजर यूज करना है आपके स्मार्टफोन में, और उसके लिए सबसे बेस्ट इक्वलाइजर एप्लीकेशन है वेबलेट एप्लीकेशन, प्ले स्टोर में आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आपको आइनोर नर्सेल यूज करना है, उसके बाद वेबलेट एप्लीकेशन को यूज करना है, फिर आप लोग इफेक्ट देख लेना। एंड यस गाइस, जो सुप मिक्स है ना वो भी आप लोग वेबलेट के साथ यूज कर सकते हो। अगर आप लोग वेबलेट यूज करते हो तो वो सर्विस कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी सुप मिक्स जो सर्विस है ना वो बंद हो जाता है। अगर सुप मिक्स या फिर आइनोर नर्सेल देखना चाहते हो इफेक्टिवनेस इसकी, तो वेबलेट एप्लीकेशन जरूर आपको इंस्टॉल करना है, नीचे डाउनलोड लिंक मैंने दी है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है मोटो डॉल्बी एटमोस, और ये कोई ऐसा वैसा डॉल्बी एटमोस
की मॉड्यूल नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, बेसिकली आपके पास बहुत सारे डॉल्बी एटमोस के ड्राइवर हो सकता है, लेकिन ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये ऑल इन वन है। ये सारे के सारे सर्विसेज में काम करेगा और ये सिर्फ वन स्टेप इंस्टॉलेशन मेथड है। मतलब सिर्फ आप लोगों को फ्लैश कर देना है मैजिक्स या फिर कर्नल एसयू के अंदर, सिंपली, और कुछ नहीं करना है, और आपके स्मार्टफोन में डेफिनेटली काम करेगा। अगर मीडियाटेक की डिवाइस है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मीडियाटेक की यूजर्स के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो सिर्फ आप लोगों को फ्लैश कर देना है, फिर देखना कितना ज्यादा खतरनाक लेवल की ये एक डॉल्बी एटमॉस है। जो बाय डिफॉल्ट डॉल्बी एटमॉस दिया जाता है स्मार्टफोन में, उसकी इफेक्टिवनेस उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन इसकी खतरनाक लेवल की है, क्योंकि इसकी जो डीबी है ना, मतलब जो इक्वलाइजर की जो भी आप लोग बार्स वगैरह देखते हो, ये मैक्सिमम लेवल जब जाता है तो देख लेना एक्सपीरियंस करके, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज मैक्स ऑडियो, इसको भी मोटोरोला ने बनाया है। इसकी फीचर क्या है? वॉल्यूम लेवलर, बेस बूस्टर एंड सराउंड वर्चुअलाइजर। मतलब कि जो डॉल्बी लाइब्रेरीज है ना, उसको कॉपी करके ये साउंड ड्राइवर बनाया गया है। तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है, आपको हूबहू डॉल्बी एटमॉस जैसा मिलेगा, लेकिन ये कोई इक्वलाइजर नहीं है, ये भी एक डॉल्बी एटमॉस की तरह साउंड ड्राइवर है जो कि सिस्टम वाइड काम करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की है, क्योंकि जब भी आप लोग बेस या फिर सराउंड वर्चुअलाइजर दोनों को ही एक साथ ऑन कर दोगे तो साउंड अल्टीमेट लेवल की हो जाता है। लेकिन अगर मैं सपोर्टिंग लिस्ट की बात करूं, देखो गाइस, ये शायद एंड्रॉइड 11 तक सपोर्ट करता है, और बाकी जितने भी मॉड्यूल्स की मैंने नाम बताया है ना, वो सारे के सारे एंड्रॉइड वर्सेस में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैक्स ऑडियो कुछ पुराने डिवाइसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। शायद अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 12 है तो फ्लैश करके देखना, मे बी काम करे या फिर ना करे, मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मैंने यूज किया तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे मॉड्यूल्स यूज करने के बाद या फिर फ्लैश करने के बाद, मान लीजिए आप लोगों ने इसमें से किसी भी एक मॉड्यूल को फ्लैश किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो आपको ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी की लिंक मैंने नीचे दी है, उसको आपको फ्लैश कर देना है। यानी कि जो AML मॉड्यूल है, जो ऑडियो ड्राइवर, यानी कि जो सारे के सारे इक्वलाइजर है ना, उसके इफेक्ट को ये काम में लाता है फ्लैश करने के बाद। तो उस मॉड्यूल को आपको इंस्टॉल करके देखना है कि ये मॉड्यूल काम करता है या फिर नहीं। अगर काम नहीं करता है तब आपको ये करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोगों ने सुप मिक्स को इंस्टॉल किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, या फिर मान लीजिए आप लोगों ने NL साउंड को इंस्टॉल किया लेकिन काम नहीं कर रहा है, फिर आपको AML मॉड्यूल फ्लैश कर देना है, ओके? तो ये है पूरा वीडियो जहां पर कि मैंने आपके साथ 5 खतरनाक ऑडियो ड्राइवर्स शेयर किए। क्या आपको और भी मॉड्यूल्स चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, नेक्स्ट पार्ट आएगा, डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। और अभी आईफोन यूजर्स साइड कॉर्नर में रोएगा, क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि डॉल्बी एटमॉस है या फिर 60 बीट की ऑडियो ड्राइवर है, तो भाई उससे क्या होता है? देखो एंड्रॉइड में कितना सारा कुछ दिया जाता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोग को लग सकता है कि चलो भाई तुम लोग तो फ्लैश करोगे फिर होता है, तुम लोग फ्लैश करोगे, तुझे पता भी है कि ये जो सारे जो चीज़ है ना, तुम्हारे स्मार्टफोन में कभी भी काम नहीं करेगा, और अगर मैं चाहूँ तो मेरे फोन को एक JBL बॉक्स बना सकता हूँ। अगर अल्टीमेट लेवल की साउंड एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एंड्रॉयड को यूज़ करो, ना कि आईफोन को। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आया है ना तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल मेरा नया है, ठीक है। मेरा भी एक एक्सपेक्टेशन रहता है आप लोगों से, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।